मोहम्मद सलीम को मिलता हूँ, मोहम्मद सलीम को मिलता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी। पहले तो इसलिए धन्यवाद है कि आपने 1393 में इस चर्चा की अनुमति दी है और हम करीब करीब पूरे दिन इसमें चर्चा कर रहे हैं। बहुत सी बातें हो गई, इधर उधर की बातें भी हो गई, लेकिन मुद्दा जो है वो जो सिचुएशन आज हमारे सामने आ पहुंचा है, हम जहां पहुंचे हैं, और ये भी कहा गया कि रिपोर्टेड इंसिडेंट्स ऑफ एट्रोसिटीज एंड लिंचिंग इन मॉब वायलेंस इन द कंट्री। तो मैं मुद्दे के अंदर ही अपनी बातों को रखूंगा, वरना बहुत सी चीजें आ गई। मंत्री जी भी बोले, मैं समझता हूं अगर सरकार पक्ष यही मान ले, क्योंकि मंत्री जी एक सुझाव दिया आप मैडम जब नहीं थी, कॉन्क्रीट सुझाव, बात ही बात में नहीं जाऊंगा मैं, कि एक तो इसका निंदा प्रस्ताव हो एक, जिस तरह से मॉब लिंचिंग हो रहा है, और दूसरा एक कानून बनाया जाए आईपीसी में संशोधन करके, मॉब लिंचिंग को इंक्लूड करके, कि पूरे देश में कहीं भी हर स्टेट गवर्नमेंट को हिदायत दिया कानून बनने से कि ऐसे अपराध होने से 24 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ा जाए और जल्द से जल्द सजा देने की बंदोबस्त की जाए। अगर सरकार पक्ष यही कहती है कि उनके मंत्री जो कहे हैं उसी को मान लेते हैं, तो वो ऑफिशियल रेजोल्यूशन की तरह मान लेते हैं, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ विरोधी पक्ष का भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं, अच्छी बात होने से समर्थन करना ही चाहिए। एक्चुअली फिगर्स लेके बहुत से झड़प भी हो गए, मैं नहीं जाऊँगा इसलिए, चूंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो वो खुद कहते हैं कि मॉब लिंचिंग चूंकि आईपीसी में है ही नहीं, इसलिए उसको अलग से वो कैटेगरी में वो डालते ही नहीं है, और सब रिपोर्टेड भी नहीं होते हैं, इसलिए उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है। और अभी हमारे दूसरे साथी कहे कि व्हाट्सएप का मामला, शिवसेना के साथी कहे कि हम ऐसे जो सोशल मीडिया में ये कर रहे हैं कि ट्रूथ मैन्युफैक्चर करते हैं और सप्लाई करते हैं, तो वो घूमते रहते हैं, तो उससे भी यार ज़्यादा परेशानी बढ़ जाता है, इसके बारे में हमें होशियार रहना चाहिए। हाँ, सो बट एक्चुअली इट इज अ शॉकिंग वायलेंट वार विद इन देश, विदेश सीमा वो तो है, लेकिन ये देश के अंदर हम क्या चाह रहे हैं, मिलिशिया, आर्म फोर्स, प्राइवेट आर्म ग्रुप्स, और वो हत्या करें? आखिरकार हकीकत क्या है कि नागरिक के खून से सह नागरिक का हाथ रंजित हो रहा है। हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, अच्छा वो केरल को देश में नहीं शामिल करते, स्पीकर से बात कर, ये इधर उधर की बात मत कर, हकीकत का सामना करना पड़ेगा। इधर उधर की बात मत कर, हाँ वो शेर में नहीं कर रहा हूँ, हाँ मैं शायरी नहीं करूंगा क्योंकि मुशायरे का माहौल नहीं है। जब हम खून की बात कर रहे हैं, हत्या की बात कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, भीड़ द्वारा निहत्ते लोगों की, निपराध लोगों की हत्या की बात कर रहे हैं, वहां मैं नहीं समझता हूं कि कोई ऐसा माहौल बने कि वाहवाही का माहौल बने। चूंकि मैं ये बात कहा कि आप जब नहीं थे, कुछ हंसी मजाक की भी बात हो गई, हमारे पूरे देश देख रहे हैं कि हम कितने सेंसिटिव हैं टुवर्ड्स दोज हु आर बीइंग किल्ड, बीइंग अटैक्ड, जिनके ऊपर एट्रोसिटीज हो रहे हैं, तो हमें कुछ संवेदनशीलता भी चाहिए। अफवाह हो रहा है, र्यूमर होते हैं, चाहे वो चाइल्ड लिफ्टर, मंत्री जी भी कहे, दूसरे भी कहे, पहले होता था हमारे देश में डैन कह करके, इफ यू वांट टू किल अ डॉग गिव हिम अ बैड नेम, और उसके साथ मामला तय। तो ये जो अफवाह के द्वारा हो रहा है, तो भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं, मैं जो भीड़ इकट्ठा हो रहे हैं सिर्फ उन्हें अपराधी नहीं मानता हूं, ये तो एक माइंडसेट की बात है। इसमें जैसे आर्थिक पहलू है, सामाजिक पहलू है, राजनीतिक पहलू है, दार्शनिक पहलू है, साइकोलॉजिकल पहलू भी है, तो इसके कोई तो इंस्टिगेटर होंगे, कोई तो मोटिवेटर होंगे, या कोई सदस्य कहे कि उसके पेमेंट भी करते हैं कोई, और वो शिवसेना के सामना की उदाहरण दे करके हमारे सतपति जी कहे कि पाकिस्तान पे कर रहे हैं, तो कोई भी बिना कारण से कुछ नहीं हटता। ये मॉब बोल करके हम कोई, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ही घटना होती है तो बोलते इंस्टेंट रिएक्शन हो गया, भीड़ का गुस्से में आ गए, नहीं, इसके पीछे एक लंबी कतार है।
मैं सदन में पूरा समय लेकर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन समाज के हर वर्ग को इस बारे में मैं समझता हूं ये हमारे देश में नया नहीं है। आज मैं न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये कहा, मैं कोट नहीं कर रहा हूं, विदेश के पत्रिका ये कहे, जो विदेश के पत्रिका को बहुत मान्यता देते आप, लेकिन उस अमरीका में भी पिछले सदी में सैकड़ों की संख्या में मॉब लिंचिंग हुए है। और जब लातेहार में हुआ था यहां पे, इत्तेफाक से दो बच्चे जो मारे गए लातेहार में पिछले साल, एक का नाम मजलूम और दूसरे का नाम आजाद, आजाद ये भी मजलूम हो रहा है। उस वक्त हमारा अगर जो सेंसिटिविटी है वो अगर झिझोड़ता तो बात इतने आगे नहीं बढ़ती, हो सकता है हम खामोश रहे। जब 1911 में टेक्सस में उसी तरह से एकदम, जो फोटो अगर आप देखेंगे जो पूरे विश्व में उस वक्त फैला हुआ था के दो बच्चे को मार करके ब्लैक होने के नाते व्हाइट सुप्रीमेसी दिखाने के लिए उसको पेड़ से झुलाकर टांग दिया था, लातेहार में झारखंड में उसी तरीके से दो बच्चे को मार करके पेड़ में झुला दिया गया। मैं पूरा वर्णन नहीं करूंगा, लेकिन एक के बाद एक, प्लीज मैडम, मैं एकदम टॉपिक बात कर रहा हूं, प्लीज अलाउ मी मैडम, मैं बस शांत से बोल रहा हूँ, मैं कोई किसी का लांछन नहीं कर रहा हूँ। यू हैव टू मैडम, यू हैव टू, आफ्टर 10 दिन से इंतजार करके एक चर्चा मिला है। ये चर्चा तो हमें होना चाहिए था 2014 में, जब मोहसिन शेख को पूना में हत्या किया गया, खामोश रहे पूरे मुल्क, अखलाक हुआ, पहलू खान हुए, कहां तक जा रहा। मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूं, ये जो डीएसपी कश्मीर के अयूब, उसकी भी हत्या हुई। प्लीज प्लीज यू स्पीक चेयर, डोंट इधर उधर, आप भी इधर उधर की मत सुनो। नहीं एकदम नहीं, एकदम नहीं, आप यस, मैं मॉब लिंचिंग की बात कर रहा हूँ 2010 से, प्लीज प्लीज 14 की आवाज कर रहा है, 2010 से 2017 क्या हो रहा है ये, प्लीज 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 मैडम, प्लीज मैं आपका संरक्षण मांग रहा हूँ मैडम, आपका संरक्षण मांग रहा हूँ। अयूब पंडित डीएसपी, आज क्या नतीजा है अभी देखिए, एक वायरल हुआ ट्विटर में, सीआरपीएफ के ट्विटर में हमने देखा रीट्वीट में, कि एक सीआरपीएफ नमाज पढ़ रहा है और दूसरा सीआरपीएफ जवान उसके कुलीग औजार लेकर के उसको पहरा दे रहा है। हम कौन सा देश बनाना चाह रहे हैं, कहां जाएंगे? वो धर पालन कर रहे हैं, सीआरपीएफ है, मुस्लिम जवान होंगे जम्मू कश्मीर में, मैं ये कह रहा हूं किसका सरकार है, किसकी सरकार है। सवाल ये है कि आखिर हम इससे क्या सीख ले रहे हैं, हम कहां पहुंचना चाह रहे हैं। ये आप ये व्हाट अबाउट जो होता है, अच्छा ये पहले भी हुआ था, 10 साल पहले भी हुआ, 5 साल पहले हुआ, 2000 हमारे यहां पे 1984 की बात मंत्री जी कहे, हम गुजरात के 2002 की बात कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना है। मंत्री जी को हमने बोलने इसलिए दिया कि प्लीज सुनो, थोड़ा सुनो ना, थोड़ा सुनो, प्लीज प्लीज कंक्लूड नाउ, सुनने का कान रखो मोहम्मद सलीम, यू हैव टू कंक्लूड नाउ, मैडम प्लीज लुक, इस तरह से मैं बहुत संजीदगी से बोल रहा था, तो बोलो ना, यू कंक्लूड, हाँ बंगाल में भी, यस देन शुड आई कॉल मैडम नेम जफर खान, CPIML एक्टिविस्ट, कंक्लूड करो नहीं तो अगले, प्लीज मैडम 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 प्लीज, मैं एक पेज बोला हूँ, 4 पेज है, मैं कोई शेर शायरी नहीं कर रहा हूँ। हाँ जफर खान को जिस तरह से हत्या की गई, क्या है मैडम, आप महिला आप समझेंगी, गलत है, स्वच्छता अभियान चल रहा है, वो ओपन में क्यों करती है शौचालय में, एक महिला जब जाती है उसका गैरत होता है, और म्युनिसिपल वर्कर्स का फोटो उठा रहे हैं, अब वो सोशल एक्टिविस्ट आपत्ति किया, हत्या हो गई। उसी तरह से रविंद्र कुमार पेशाब करने में आपत्ति किया, ई रिक्शा के ड्राइवर दिल्ली में, हत्या हो गई। मैं ये कह रहा हूं जब हत्या होता है और मॉब लिंचिंग होता है और उसको अगर कोई जस्टिफाई करता है तो वो सिर्फ एक दर्शन से नहीं होता, एक तरफ से नहीं होता, फिर रू इसको लॉ एंड ऑर्डर को समझ समझिए, हम कहां पे ले जा रहे हैं हमारे दिमाग को, दिमाग को ठिकाने लगाने की बात है। और इसलिए मैं समझता हूं कि अभी अभी जैसा नॉट इन माई नेम हुआ, कि आखिर कोई हत्या कर रहा है तो हमारे नाम से क्यों करे, अगर कश्मीर के मिलिटेंट हत्या करता है तो वो मुसलमान के नाम से क्यों करे, वो हत्यारे है, अगर जुनैद को कोई हत्या कर रहा है तो वो हिंदू धर्म के रक्षा के नाम पर क्यों करे, वो हत्यारे हैं, और देश की सरकार हो
यह हमारे विरोधी पक्ष हो या पत्रकार हो, सबको यह कहना चाहिए हत्यारे हत्यारे हैं। वो जो कवच लगाता है वो गलत है, वो दर्शन गलत है जो इसे प्रमोट करता है। और मैं समझता हूं खतरा वहीं से हो रहा है, और इसलिए ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहा गया प्रधानमंत्री खुद कहे, मैं प्रधानमंत्री जी को कोट कर रहा हूं, मैं समय के लिए नहीं करना चाह रहा था। प्रधानमंत्री 2016 में क्या कहे, मंत्री जी कोट किए अभी का बयान को अंग्रेजी में, मैं विदेश के लिए नहीं बोल रहा हूं, देश के लिए बोल रहा हूं। 2016 में कहे, ये देख मुझे बहुत गुस्सा आता है कि लोग गोरक्षा के नाम पर दुकानें चला रहे हैं, कुछ लोग रात के समय अनैतिक कार्यों में लिप्त रहते हैं और दिन में वो गोरक्षकों का आवरण ओढ़ लेते हैं। कोई भी ये जो सांप्रदायिक मामला होता है धर्म के नाम पर, कोई भी धर्म का वो ओढ़ ले सकते हैं चादर अपने अपने तरीके से। अफगानिस्तान में अगर इस्लाम ज़्यादा है तो वहाँ इस्लाम का चादर ओढ़ लेंगे, पाकिस्तान में उसका चादर ओढ़ लेंगे, बांग्लादेश को उसका चादर ओढ़ लेंगे, लेकिन हम तो भारत के नागरिक हैं, हमारा तो एक सोशल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, प्रजातंत्र है, हम तो लोकतंत्र में हैं। हम ये क्यों कहते हैं कि वहाँ क्या हुआ यहाँ क्या हो रहा है? और इस जगह पर यह अपराध हो रहा है, ये सिर्फ ऐसा एक दिन में नहीं हुआ, 2010 से। मैडम ये सबसे बड़ी बात है समझ, केरल के मुख्यमंत्री प्लीज आज के दिन में सबको लेकर के बैठ के कहे कि चलो शांति का बात करते हैं, एक साथ बढ़ते हैं, ये काम प्रधानमंत्री नहीं कर सकते, ये काम उत्तर प्रदेश के योगी जी नहीं कर सकते, ये काम दूसरे प्रदेश के लोग नहीं कर सकते। सिर्फ निंदा करने से नहीं होता है, शांति के लिए प्रयास करना पड़ता है। और राजनीतिक हत्या की बात अलग है। आज पश्चिम बंगाल में सुनना चाहते हैं, दार्जिलिंग में 3 लोगों की हत्या की गई गाय का चोरी के नाम पर, जफा होता है। आप बंगाल की बात कर रहे हैं, सुन लो, दार्जिलिंग में आपके एमपी आते हैं, मैं गया हूँ तीनों के घर में, नसीरुद्दीन हो, समीरुद्दीन हो, उसके घर में गया। मोहम्मद सलीम, यू हैव टू कंक्लूड, आई हैव टेकन अनदर नेम, यस गोंडा, सो यू आर नॉट कंक्लूडिंग, व्हाट कैन आई डू? थैंक यू, 3 minutes, 1 minute ready, प्लीज, आई विल कंक्लूड इन 3 minutes, नो, मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं करूंगा, ठीक है, 1 minute, नो, आई एम सॉरी, 2 minutes, मैंने आपको भरपूर समय दिया, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो। जो प्रधानमंत्री पूरे विश्व में कहीं कुछ होता है उसमें अगर ट्वीट करते हैं, पहले दिन 2014 में अगर वो कहते कि मोहसिन शेख की हत्या प्रोफाइलिंग के नाम पर, धर्म के नाम पर गलत है, तो फिर उसका असर दूसरा होता। आज जिस दिन प्रधानमंत्री बयान दे रहे हैं उस दिन झारखंड में फिर कत्ल किया जा रहा है। जुनैद के घर में मैं गया, उसकी माता शायरा, उसको मैं वादा करके आया था कि मैं आपके सामने ये बात रखूंगा कि किस तरह से हत्या की गई, वो सीट का मामला नहीं था, रिलीजियस प्रोफाइलिंग है। Thank you, ma'am. Thank you for allowing me to speak on the-